सायावर पुलिस ने अंतर जनपदीय टप्पेबाज महिला गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह की महिला सरगना को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से नकदी और ठगे हुए सोने चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह की अन्य महिला सदस्यों की भी तलाश में जुटी हुई है। दरअसल इलाके में लगातार सवारी वाहनों में महिलाओं के साथ मेलजोल बढ़ाकर गिरोह के सदस्य उनके पर्स से नकदी और जेवर चुराकर फरार हो जाती थी। गिरोह की महिलाएं अपने शिकार को बातों में फंसाकर उनके साथ टप्पेबाजी करती थीं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कांट ब्लॉक गेट के पास से गिरोह की सरगना भाग्यवती को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी लेने पर महिला के पास से 2,000 रुपये की नकदी, सोने चांदी के जेवर बरामद हुए हैं। गिरफ्तार की गई महिला मूल रूप से रेवाड़ी हरियाणा की रहने वाली है और वर्तमान में शाहजहांपुर, बरेली और पीलीभीत में अपना टप्पेबाजी का गिरोह चला रही थी। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में गिरोह की अन्य महिलाओं के नाम और पते भी सामने आए हैं, जिनकी जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। थाना कांट को एक अंतर्राज्यीय चोरों के गिरोह के सदस्य को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी गया 1,850 रुपये और जेवर जो 100% रिकवरी करके में सफलता प्राप्त हुई है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैच इसलिए है क्योंकि इसका पूरा एक गिरोह है और इसके पहले भी ये गिरोह विभिन्न मामलों में GRP से और अन्य जनपदों के थानों से जेल जा चुका है। ऐसी प्रथम दृष्टया जानकारी में पूछताछ की आई है, इसको वेरीफाई कराया जा रहा है। इससे भी गहनता से पूछताछ की गई है। जो अभियुक्त गिरफ्तार है, ये लोग, इनकी मॉडस ऑपरेंडी है कि ये ट्रेनों में और बसों में या टेम्पोज में साथ में बैठते हैं, जिनके पास, इनको अंदाजा रहता है कि इनके पास अच्छे रुपए होंगे या जेवर होंगे और उनके पास बैठ के उनको बातों में उलझा के उनके जेवर और रुपए चोरी कर लेते हैं। और इसी तरह से एक थाना कांड में घटना हुई जिसपे तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया और अच्छी पतारसी सूत्राकर्षी करते हुए इस अभियुक्ता की गिरफ्तारी हुई है। इसने ऐसी घटना का स्वीकार किया है। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी इसकी घटनाएं हैं, इस पर हमारी गहनता से छानबीन चल रही है। इस अभियुक्ता को थाना कांट में सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इसको दाखिल कर और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई।